नमस्कार, क्रांति उड़ीसा में आपका स्वागत करते हैं। हाल ही में एक वीडियो हमारे चैनल में वायरल हुआ था, जिसमें बाबा बोल रहे थे कि नींबू के रस से कोरोना बीमारी का इलाज हो सकता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में बहुत आलोचना हो रही है। हमने इस संदर्भ में कुछ व्यक्तियों की प्रतिक्रिया ली, तो आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं लोग। हरिओम हरी, मैं सज्जन कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, कटक का निवासी, आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के उपचार के लिए एक नींबू का रस नाक में डालने से ठीक होता है। ऐसा एक ठू व्हाट्सएप सभी जगह वायरल हो रहा है और क्रांति उड़ीसा ने इसको मैं क्रांति उड़ीसा के साइट में इसको देखा था और इस पर फिर इसको नेगेटिवली लोग बता रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि नींबू एक विटामिन सी है, जो कि कोरोना के लिए बहुत ही माने घातक चीज़ है। उसका यूज करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और इस विटामिन सी के लिए एक बात मेरे को याद आता है, बचपन में हम लोग पढ़े हुए हैं, कोई जहाज़ में बहुत सारे आदमी जा रहे थे और वो सारे बीमार पड़ गए, किंतु देखा गया कि वहाँ पर एक आदमी बीमार नहीं पड़ा है। वहाँ पर फिर देखा गया कि उसके पास विटामिन सी है और इसीलिए वो बीमार नहीं पड़ा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर जब आज हम लोग कोरोना के ग्रसित आदमी या कोरोना से जो कोई ग्रसित नहीं है, वो भी अगर जब नींबू का रस अपने नाकों के में गिराएं तो सुरक्षित रह सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। जय हिंद। नमस्कार, जय जगन्नाथ। हाल ही में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। एक बाबा ने बोले थे कि नींबू का रस को नाक में डालने से कोरोना का बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, और उसमें भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोले ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो मैं एक बात मतलब यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि नींबू कोई एक मतलब आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, नींबू एक बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है। मतलब देखिए, जैसे कि हमारा सरकार बोल रहे हैं कि रेगुलर डाइटरी में हम विटामिन सी के जैसे पदार्थ को खाने में लेना चाहिए, जैसे कि नींबू हो वो चाहे आंवला हो। तो और एक बात मतलब जाननी चाहिए कि यदि आप नींबू को अपने खाने में शामिल करने के लिए सरकार प्राधान्य दे रहे हैं, जैसे कि मतलब विटामिन सी से हमारा शरीर का इम्यूनिटी इम्यून पावर बहुत बढ़ रहे हैं। तो देखिए, नींबू कोई भी एक मतलब ऐसे हानिकारक चीज़ नहीं है जिसको नाक में डालने से आपका मतलब कुछ बुरा हाल हो सकता है। मतलब मेरे हिसाब से नींबू जो विटामिन सी है उसमें, और एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस का पीएच है वो बहुत ही लो है, और जो नींबू मतलब साइट्रिक एसिड का पीएच है वो भी बहुत हाई है। जैसे कि आपके नाक में जो कोरोना वायरस है तो मतलब कोरोना वायरस का पीएच बहुत ही कम है, और जैसे कि नींबू का पीएच बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको नाक में डालने से कुछ हद तक कोरोना वायरस की मौत हो सकती है। और मैं इस बात को मतलब पक्का तो नहीं कह पाऊंगा, पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सरकार को इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, और हमारे जो आयुर्वेद संस्थान है उनको भी थोड़ा सा नींबू के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। जड़े बाबा यदि कही नाक दीटपा लेंबू पकड़े यदि भल हो जाए कोरोना बीमारी पक देखु टेस्ट करूँगा अपोज करवाटा ठीक न देखु एटा तो मेडिकली प्रूवन नुह जे लेंबू रस पकड़े कोरोना रोग भल हो पूर्व बाबा रामदेव भी दाबी करते कोरोनिल खाइले कोरोना भल हो जेहेतु यहाँ गोटे आम हेलु हिंदू धर्म आमर एटा पुराणा पुरतन आम बहुत आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति रही से चिकित्सा पद्धति बहुत पुरतन रोग भल होटा गोटे बहुत बड़ जिनस नुह जदि आम लेंबू रस दि बुंदा पकई कि नाक देखा ट्राए कर आम गुआ घी भी नाक मो जेज पकाते गुआ घी थंडा होगा बेले गुआ घी नाक पका सेमती किसी हुए नहीं थंडा भल हो जाए तेणुक जदि लेंबू रस पकईवा द्वारा कि गोटे फल मिल पारे आम ट्राए कर मेडिकली प्रूवन नुह मुझा कहबी कौन कोरोना रोगी की जे आपण मैंने लेंबू नाक पक ट्राए करूँ कि भल मनिषि जे लेंबू ट्रा पकई कि देखूँ जे बैचान्स आपणकर किसी नाक फाक क्लीअर हो जापे एवं यहीटा जदि आम आयुर्वेदिक चिकित्सक मैंने लग कि ट्राए कर किसी रोगी देखते जदि किसी सक्सेस रेसीो भी आसे तेल निश्चिंत ये फलप्रद ये कि पैसा भी लगभन यटा आम कल्चर को भी निहाती ये करते तेणुक मो मतरे हो पार ये कि असंभव नुह मुझे बाबा को समर्थन करुच्छे कि मानने बड़ ई नुह हो पार बाबा भी टोटाल कहना जे यहाँ हिं कर यादव भल हो सी तो कह कथा जो ये ट्राए कर दि
ଯଦି ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ନ ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ଟ୍ରାଏ କରିଦିଅ। ଯେମିତି ଆମେ 70,000 ଦେଇକି ରାମଡେସିଭିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଉଛେ, ଯେମିତି ଆମେ 100,000 ଦେଇକି ଆଉ କେଉଁ ଔଷଧ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଦେଉଛେ, ସେମିତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଉ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଯଦି ହେଇଗଲା ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ସାର୍ ମୁଁ ଅନିଲ ପାଣ୍ଡେ, ଆଜ ସେ 8 ଦିନ ପହିଲେ ମୁଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଥା, ମେରା ସର ନାକ ଗଲା ଖରାଶ ସାରେ ଏକଦମ ଜାମ ହୋଇ ଚୁକି ଥି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି କାମ ନେଇ କରି ରହି ଥି। ଏକ ଡାକ୍ଟର କେ ସଜେସନ ମେ ମୁଁ ଦବାଇ ଲେ ରହା ଥା, ମୁଁ ଘରକୁ ହୋମ ଆଇସୋଲେସନ ମେ ଥା। ଉସକେ ବାଦ ମୁଝେ କହିଁ ସେ ଲିଙ୍କ ମିଲା ଗୁରୁଜୀ କା, ଏ ନିମ୍ବୁ କେ ରସ ବାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ, ଔର ଇଏ ମୈନେ ତୁରନ୍ତ କିଆ। ପିଠ କେ ବଲ ଲେଟ କେ ନିମ୍ବୁ ନିଚୋଡ଼ କେ କପଡ଼େ ସେ ଛାନ କେ, ଓ ରେସା ନହିଁ ଆଏ ନିମ୍ବୁ କା, ଶୁଦ୍ଧ ହୋନା ଚାହିଏ। 3 ବୁନ୍ଦ ଇସ ନାକ ମେ 3 ବୁନ୍ଦ ଉସ ନାକ ମେ ଡାଲତେ ହି 2 ସେକେଣ୍ଡ କେ ଲିଏ ଏକଦମ ଆଖ ସେ ଆସୁ ଆଗେ ଏକଦମ ଇସି ଜଲନ ହୁଇ। ଉସକେ ବାଦ ଭି ୟା ଗଲେ ମେ ସେ ହୋତେ ହୁଏ ଏକଦମ ଫେଫଡ଼େ ସେ ହୋତେ ହୁଏ ପେଟ କେ ଅନ୍ଦର ଚଲା ଗଯା। ଉସକେ ବାଦ 10 ମିନଟ କେ ଅନ୍ଦର ମୁଝେ ସାରା ଚିଜ କ୍ଲିୟର, ସାଂସ ଶ୍ୱାସ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟା ଖରାଶ, ଗଲେ ମେ ଜକଡ଼ନ, ସର ଦର୍ଦ, ଚକ୍କର ଆନା 10 ମିନଟ ମେ ମୁଝେ ରିଲିଜ ହୋ ଗଯା। ଫିର ଭି ଦୁସରେ ଦିନ ମୈନେ ୱାପସ କିଆ, ଏକ ବାର ପହିଲେ ଦିନ କିଆ, ଦୁସରେ ଦିନ ଏକ ବାର କିଆ, ଔର ଆଜ 7 ଦିନ ସେ ମୁଁ ଏକଦମ ସ୍ୱସ୍ଥ ହୁଁ, 7 ଦିନ ମେ ମୁଁ ଏକଦମ ସ୍ୱସ୍ଥ ହୁଁ। ତୋ ଆପ ଲୋକଙ୍କ ସେ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ କରି ବିନତି ହେ ଇସ ପ୍ରୟୋଗକୁ, ନିମ୍ବୁ କା ରସ ନାକ ମେ ଡାଲେ ସେ ନା କୋଇ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେ, ଆପ ଲୋକ କରିଏ ଜନ ସମୁଦାୟ କେ ଭଲାଇ କେ ଲିଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଏ ଆଉ ବତାଇଏ କି ନିମ୍ବୁ କେ ରସ କୋଇ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନହିଁ ହେ, ସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସାରେ ଡାକ୍ତର କା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ସେ କାମ କରତେ ରହେ, ଲେକିନ ଏ ନିମ୍ବୁ କେ ରସ କା ବି ପ୍ରୟୋଗ କରଲେ ହୁଏ, ଇସେ ମୁଝେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହୁଆ ହେ। ଔର ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତୋ, ମୁଁ ଜୟପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା। ପିଛିଲେ ବିଗତ କୁଛ ଦିନ ସେ ମେରେ କୋ କାଫି ତକଲିଫ ହୋ ରହି ଥି, ମୁଁ 27 ତାରିଖ କୋ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋ ଗିଆ ଥା, ବହୁତ ଘବରା ଗିଆ ଥା, ମେରେ କୋ ବୁଖାର ବହୁତ ଜୋର ଆଇ ଥି, ତକଲିଫ ମେରେ କୋ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହୋ ରହା ଥା, ସାଂସ ଲେନେ ମେ ବି ଦିକ୍କତ ହୋ ରହି ଥି, ବସ କଫ ବାର ବାର ବନ ରହା ଥା, ପର ଖାଂସି ବହୁତ ଜୋର ହୋ ରହି ଥି। ଫିର ମୈନେ ରିପୋର୍ଟ କରବାଇ, ରିପୋର୍ଟ ମେରି ପଜିଟିଭ ଆଇ, ଫିର ମୈନେ ଆଲୋପାଥିକ ଦବାଇଆଁ ବଗେରା ସବ ଚାଲୁ କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ବି ମେ କୋରୋନା ଗ୍ରସିତ ହୁଁ। ଫିର ମୈନେ କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କେ ନ୍ୟୁଜ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ମୈନେ ବାବାଜୀ କା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା, ତୋ ବାବାଜୀ ନେ ନିମ୍ବୁ କେ ପ୍ରୟୋଗ ସେ କୋରୋନା ଠିକ କରନେ କା ଦାୱା କିଆ। ପହଲେ ତ ମେରେ କୋ ଏସେ ହି ଲଗ ରହା ଥା କି ନହିଁ ୟେ କୁଛ ନହିଁ ହୋଗା, ପରନ୍ତୁ ଜବ ମେରେ ଏକ ଦୋ ମିତ୍ରୋ ନେ ଇସକୋ କିଆ ଔର ଇନ୍ହୋନେ ମେରେ କୋ କହା କି ଇସସେ କାଫି ଫାଇଦା ହୋ ରହା ହେ, ତୋ ମୈନେ ଭି ଇସ ପ୍ରୟୋଗ କୋ କିଆ। ଇସ ପ୍ରୟୋଗ କୋ କରନେ କେ ବାଦ ଫିଲହାଲ ମେରେ କୋ କାଫି ଫାଇଦା ଲଗ ରହା ହେ, ମେରେ କୋ ସାଂସ ଭି ଏକ୍ଚୁଆଲି ସହି ଆ ରହି ହେ, ପ୍ଲସ ମେରେ କଫ ଇତନା ନହିଁ ବନ ରହା ହେ ଜିତନା କଫ ମେରେ ପହଲେ ବନ ରହା ଥା। ଇସ ପ୍ରୟୋଗ ସେ ମେରେ କୋ କାଫି ଫାଇଦା ହୁଆ ହେ, ମୁଁ ଆପ ଲୋଗୋଁ ସେ ଭି ଅନୁରୋଧ କରୁଙ୍ଗା, ଜୋ ଭି ମେରା ଭାଇ କି ବହନ ଜୋ ଭି କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ହେଁ, ଉନକୋ ଏକ ବାର ୟେ ପ୍ରୟୋଗ ଜରୁର କରନା ଚାହିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ କହିନା ଚାହୁଁଗା ବାବାଜୀ କା, ବଶିଷ୍ଠ ଜୀ ମହାରାଜ ନେ ହମେ ୟେ ଅଚୁକ ଉପାୟ ବତାୟା, ଉସକେ ଲିଏ ଉନକୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିନା ଚାହୁଁଗା। ନିମ୍ବୁ କା ଉପଚାର କୋଭିଡ କେ ଲିଏ ମୁଁ କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ସେ ଦେଖନେ କେ ବାଦ ମୁଁ ଖୁଦ ଇସକୋ ୟୁଜ କିଆ, ଆର ୟୁଜ କରନେ କେ ବାଦ
मैं एक्चुअली मेरा तो इतना कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा कफ वगैरह जो था वो निकल गया एंड मुझे थोड़ा भी अच्छा लगा, नींद भी अच्छा रहा। इसलिए मैं जैसे दूसरे सब आज भी मेरा दो तीन फ्रेंड बता रहे हैं कि नींबू से कोई किसका देहांत हो गया, वो हो गया, थोड़ा नेगेटिव जो बता रहे हैं वो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बूंद दो बूंद नींबू नाक से जाने से कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी होगा बेनिफिट होगा। मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप भी थोड़ा यूज कीजिए, यूज करने के बाद आप थोड़ा बताइए कि ये अच्छा है कि अच्छा हो रहा है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। इसलिए मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप नींबू का जो उपचार है ये अच्छा उपचार।